नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भारत और पाकिस्तान की शांति वार्ता में अमेरिका की भूमिका नहीं। भारत पाकिस्तान शांति वार्ता प्रक्रिया में अपनी किसी भूमिका से साफ शब्दों में इनकार करते हुए अमेरिका ने कहा है कि जब तक दोनों देश मिलकर इसके लिए नहीं कहेंगे तब तक अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होगी। एक अधिकारी ने अमेरिका के इस रुख को साफ करने के साथ ही रेखांकित किया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि वे सीधे बातचीत करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही अमेरिका का ये रुख दुनिया के सामने आया है। टीम इंडिया ने जीत के साथ देश को दिया दशहरे का शानदार तोहफा। विराट कोहली के शानदार 138 रनों की बदौलत भारत ने चेन्नई वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 35 रनों से हराकर न केवल 5 वनडे मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी की बल्कि देशवासियों को दशहरे का शानदार तोहफा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 299 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की हार को कप्तान एबी डिविलियर्स का 112 रनों का शतक भी हार से नहीं टाल सका और पूरी 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन ही बना सकी। अब मुंबई में 25 अक्टूबर को खेला जाने वाला 5वां वनडे मैच गांधी मंडेला वनडे सीरीज के चैंपियन का फैसला करेगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे मशहूर शायर मुनव्वर राना। देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के विरोध में पिछले दिनों अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे और अपना पुरस्कार वापस लेंगे। राना ने कहा कि मुझे बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की पेशकश की गई है। जब ये मुलाकात होगी तब मैं देश के मौजूदा हालात को लेकर अपना दर्द और साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किए जाने की वजह बताऊंगा, साथ ही उन कारणों का जिक्र करूंगा जिनसे मुल्क का माहौल खराब किया जा रहा है। राणा के मुताबिक जब मैं मोदी से गले मिलूंगा तब वे अपनी अम्मा को याद करेंगे और मैं अपनी माँ को।